हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जो कि हमारा क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है उसके हमारे मेजरली दो टाइप यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट हमारा होता था प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और सेकेंड हमारा होता था कोलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जो हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी थी उसके दो टाइप हमने स्टडी किए थे। एक हमारा था वहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी और सेकंड हमारा वहाँ पे था टीएलसी, यानी कि जो हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती थी। ठीक है, आज के लेक्चर से हम यहाँ पे जो हमारी कोलम क्रोमेटोग्राफी है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करके चलेंगे। अब जैसे कि हमारे जो क्रोमेटोग्राफी है उसके हमारे दो टाइप थे ना, एक हमारा क्या था प्लेनर और दूसरा हमारा था कोलम। ठीक है, प्लेनर के अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप आते थे, एक हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी एक हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो हमारा कोलम क्रोमेटोग्राफी था इसके हमारे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा आज हम जो स्टडी करके चलेंगे वह हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एक हमारा होगा यहाँ पे पोलैरिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी, एक हमारा होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एक हमारा होगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हमारे मेजरली चार टाइप इसके रहेंगे। उसके अलावा यानी कि फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाती है, जैसे कि हमारी जो एचपीएलसी हो गई। ठीक है, तो ये एक उसके अलावा हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी जो कोलम क्रोमेटोग्राफी है उसकी हमारे यहाँ पे फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो वो सब हम आगे के लेक्चर्स में हम स्टडी करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो हमारी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही दिख रहा है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एक्सक्लूजन यानी कि एक्सक्लूड करना किसी चीज को। ठीक है, और किसके बेस पे, साइज के बेस पे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने आपको क्या बताया था, क्रोमेटोग्राफी हमारा क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी हमारा सिंपली एक वो टेक्निक रहेगी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो मिक्सर है मिक्सर के अंदर हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, उनको हम जब वहां से सेपरेट करेंगे मिक्सर से, तो वही हमारा क्या होता है, वो हमारे जो जाती है साइज क्रोमेटोग्राफी होगा। और अगर हम यहाँ पे साइज के बेसिस पे अगर हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर की हमारी जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर हम जो हमारे मिक्सर होंगे, मिक्सर में से जो हम कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे वो हम किसके बेसिस पे करते हैं, वो हम उनके केमिकल या फिर बायो फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई मिक्सर हो गया है कि, ठीक है, और मिक्सर के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट रहेंगे ए बी और सी। अगर इन तीनों कंपोनेंट की जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी एक दूसरे इन तीनों कंपोनेंट की सेम रहेगी तो उनकी सेपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक रहती है उससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट है इनमें से हमारी एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट जरूर होनी चाहिए, तभी उस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट या फिर सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे साइज एक्सक्लूजन की बात करें सिंपली, तो साइज एक्सक्लूजन हमारा क्या कह रहे हैं हम कि इसके अंदर हम साइज के बेसिस पे जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के उनको हम सेपरेट करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे उनके अंदर जो साइज होगा उनमें क्या मिलेगी, हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, तीन हमारे पास ये प्रोटीन है, प्रोटीन ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इन तीनों प्रोटीन का जो वेट है, अब प्रोटीन का वेट हम किस में यहाँ पे मेजर करते हैं, उसके यूनिट हमारे क्या रहते हैं, डाल्टन। तो सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा ए है इसका जो यहाँ पे मोलिकुलर वेट है वो हमारा हो गया 50 डाल्टन हो गया। ठीक है, सेकेंड बी है इसका हमारे यहाँ पे जो वेट है वो हमारा 500 डाल्टन हो गया, और सी हमारे पास जो है इसका यहाँ पे जो वेट है वो हमारा 5000 डाल्टन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यूज करके इन तीनों जो हमारे कंपोनेंट है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज करके चले कि हमारे पास जो प्रोटीन्स है, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन है ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब ए का जो यहाँ पे मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना है, 50 हो गया। बी का हमारा जो मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना हो गया, ये भी 50 हो गया, और सी का भी मोलिकुलर वेट कितना है, 50 हो गया, 50 डाल्टन। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जो तीनों कंपोनेंट है इनका जो मोलिकुलर वेट है वो तीनों का सेम ही है। और साइज एक्सक्लूजन का बेसिक रूल क्या हो, इसका प्रिंसिपल क्या होता है,
कि हम साइज के बेसिस पे जो उनका मोलिकुलर वेट रहेगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से सेपरेट करके चलेंगे। लेकिन अब तीनों का अगर यहाँ पे मोलिकुलर वेट अगर सेम ही आ रहा है तो यहाँ पे हम साइज क्रोमेटोग्राफी का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यूं हो सकता है कि जो इनकी शेप है, ठीक है, अगर शेप के अंदर बहुत ज्यादा डेविएशन है तो हम यहाँ पे साइज का मे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा अगर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे अगर सेम रहता है तो वहां पे इसकी बहुत ही कम चांसेस रहेगी कि वहां पे हम साइज एक्सक्लूजन को यूज करके इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको वहां पे यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे मेजर जो पार्ट रहेगा वो हमारा कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर तीनों कंपोनेंट या फिर जितने भी हमारे कंपोनेंट है अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ पे डेविएशन हमें देखने को मिलेगी तो हमारे वहां पे हम उनको सेपरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लेक्चर में हम इसी को यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे कोलम क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप है जैसे कि पोलैरिटी बेस्ड, आयन एक्सक्लूजन और एफिनिटी क्रोमेटिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी जो कोलम क्रोमेटोग्राफी है उसकी अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा वो हमारा इजिली यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाए। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी कोलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कोलम को यहाँ पे यूज करेंगे, एक ट्यूब को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक हमारी यहाँ पे ट्यूब होगी, और इसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे साइज एक्सक्लूजन के लिए बात पर्टिकुलर बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे हम कुछ बीड्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये बीड्स कैसे होते हैं, ये हमारे होंगे पोरस स्ट्रक्चर। पोरस का मतलब क्या हो जाता है कि इनके अंदर हमारे यहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर, पोरस इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा एक बीड हो गया, ठीक है। अब ये बीड यूं नहीं है कि ये हमारा बिल्कुल ही क्लोज है, इसके अंदर कुछ है मतलब कोई स्पेस है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप से कनाल्स या फिर रस्ते बने होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इस टाइप के हो सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें पोरस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इन बीड्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे ये प्रोटीन्स है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के प्रोटीन हो गए। एक हमारा जो रेड है उसको हमने ए कर दिया, ठीक है, ग्रीन को हमने बी कर दिया, और इसको हमने यहाँ पे सी कर दिया, क्लियर है। अब क्या होगा कि जब ये प्रोटीन हमारे इस कॉलम के थ्रू पास होंगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, बीच में हमने बीड्स को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। अब ये जो हमारे प्रोटीन है ना, इनके साइज आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका जो साइज है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है, ठीक है। ए हमारा सबसे लार्जेस्ट है, बी हमारा उससे छोटा रहेगा, और सी से यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज में रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से हमारे जो ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट है वे हमारे यहाँ से जब पास होंगे, ठीक है, तो पास होते टाइम वो क्या हो लेंगे, यहाँ पे तो बीड्स है, ठीक है। अब जो रेड है ना, रेड तो हमारा लार्जेस्ट साइज का हो गया, और इसका साइज इतना ज्यादा है कि ये यहाँ से अगर अगर हम बीड्स की बात करें तो बीड्स के अंदर जो ये पोरस स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, वे इसके अंदर एंट्री कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये इसका साइज था और जो रेड है वो तो इसका साइज ज्यादा हो गया, तो ये तो इसके अंदर एंट्री कर भी नहीं पा रहा। तो ये क्या करेगा, ये तो अपने साइड में से यहाँ पे बीच का जो रास्ता मिलेगा इसको वहां से पास होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए तो इसके अंदर एंट्री कर भी नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन कहीं पे हमारा इसके अंदर एंट्री कर लेगा, कहीं पे इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, इसका मीडियम साइज है, ठीक है। तो ग्रीन क्या करेगा, ग्रीन कहीं कहीं पे तो इसके अंदर एंट्री करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, तो ये भी आराम से निकलता रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे सी है, ठीक है, जो कि हमारे स्मॉलेस्ट साइज के थे, तो स्मॉलेस्ट साइज वाले को क्या दिक्कत हो गई कि ये हमारे इन पोरस स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री करेंगे ही। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पोरस है ये अभी भी सबसे पीछे है। पीछे क्यों है, क्योंकि ये इन रस्तों से होते हुए आ रहे हैं। जैसे कि ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे इन रस्तों से होते हुए आएंगे, ये इसके अंदर आ गया, फिर ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। जबकि जो हमारा रेड कलर का था वो हमारा क्या हो रहा था, वो इतनी देर में तो यहाँ तक पहुंच गया था, ये तो एक बीड्स को यहाँ पे पार कर रहे थे, इतनी देर में तो हमारा जो रेड है वो तो वहां पे पहुंच गया था, जो हमारा ग्रीन था वो यहाँ पे पहुंच गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे लार्जेस्ट साइज के होंगे, यानी कि जो सबसे ए जो था वो हमारा कैसा था, लार्जेस्ट इन साइज था, तो जो हमारा लार्जेस्ट साइज का था वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे इल्यूट आउट होगा। इल्यूट आउट का मतलब क्या होगा, वो हमारा सबसे पहले यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट। फिर उसके बाद हमारा जो इससे स्मॉलेस्ट साइज का यानी कि एवरेज साइज का होगा, ठीक है, सेकेंड आया ये, और जो हमारा स्मॉलेस्ट साइज का होगा ये हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे लार्जेस्ट साइज के होंगे वो साइज एक्सक्लूजन के अंदर क्या होंगे, सबसे फर्स्ट, और जो हमारे स्मॉलेस्ट साइज के होंगे वे हमारे सबसे लास्ट में यहाँ पे बाहर आएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे बीड्स है ना, ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी केमिकली इनएक्टिव होगी, एक्टिव ना ही ये किसी चीज को एड्सॉर्ब कर पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। जो हमारे कंपोनेंट है इनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? बस ये साइज है और ये हमारे पोरस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से यहाँ पे हमारे जो प्रोटीन होंगे वो पास होंगे, बस इतना ही इनका काम है। ये अगर हमारे यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं तो जब यहाँ पे हम ना बीड्स को यूज करेंगे ना, तो बीड्स के लिए हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है कि हम किन बीड्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा यही प्रिंसिपल एक मेजर रहेगा कि ये जो हमारे बीड्स है ना वो हमारे इनएक्टिव होने चाहिए। अगर ये एक्टिव होंगे, ठीक है, सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा, हमने प्रोटीन तो ए यहाँ पे छोड़ा था कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, और इसने क्या किया, इनने बीड्स के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके कोई दूसरा ही कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे डी इसने बना दिया, ठीक है, हमने डाला यहाँ से ए और यहाँ से हमारा आ गया डी, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज ये भी कि ये हमारा किसी चीज को एड्सॉर्ब भी नहीं करना चाहिए। अब एड्सॉर्ब अगर यहाँ पे ए को कर लेता है, अब वैसे तो क्या होना चाहिए था, ए हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे इल्यूट आउट होना चाहिए था, लेकिन अगर ए इसको यहाँ पे, ए को ये बीड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, इसके ऊपर यहाँ पे बाउंड्री रह जाइए, ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, पहले हमारा बी आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ए आ जाएगा, और डी को तो हमें यहाँ पे, सॉरी ए को तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ए क्या हो रहा था, बीड्स के साथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे बीड्स हम यूज कर रहे हैं ना वो हमारे केमिकली इनएक्टिव होने चाहिए और वो हमारी एड्सॉर्बेंट की तरह काम नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा क्या होगा, इट सेपरेट द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज बाय फिल्ट्रेशन थ्रू ए जेल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जेल को यहाँ पे यूज करेंगे या फिर बीड्स को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर प्रोटीन्स होंगे वो हमारे किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। द जेल कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल बीड्स कंटेनिंग पोरस ऑफ स्पेसिफिक साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हमारे क्या होता है कि जो हमारी जेल होती है इसके अंदर हमारे स्फेरिकल बीड्स होंगे, और ये जो बीड्स होते हैं वे हमारे कैसे होंगे, उनके अंदर हमारे पोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और जो हमारे ये पोर्स होंगे ये हमारे कैसे होते हैं, एक स्पेसिफिक साइज के होंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक साइज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे बीड्स को हमने यूज किया है, हमने क्या बताया, ये हमारे पोर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो ये पोरस स्ट्रक्चर है ना ये हमारी कैसे होती है, अब ये एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर एंट्री करने देंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि ये अपने जो ये पोरस स्ट्रक्चर है इनके अंदर अगर किसी का वेट 50 डाल्टन है, ठीक है, तो वो तो इसके अंदर एंट्री कर सकता है। अगर 50 डाल्टन से कम है किसी का वेट तो उसको भी एंट्री करने देंगे, लेकिन अगर किसी का वेट 50 डाल्टन से ज्यादा हो जाता है तो ये उसको अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइज की हम यहाँ पे पोर्स को स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जैसे कि हम सपोज करके चले कि हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोटीन हो गए, एक ए है, एक बी है और एक सी हो गया, ठीक है, अब तीनों का साइज क्या है, एक का साइज हमारे यहाँ पे हो गया 100, सेकंड का हमारे यहाँ पे साइज हो गया 200, और थर्ड का हमारे यहाँ पे साइज हो गया 300। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम एक ऐसे पर्टिकुलर बीड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो हमारे ये पोरस स्ट्रक्चर है वे हमारे कितने वाले को यहाँ पे एंट्री दे रहे हैं, 50 वाले को, तो इसको यूज करने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे तीनों में से कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, और अगर ये यहाँ पे एंट्री कर भी नहीं पा रहे तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों हमारे साइड में से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे ए बी और सी तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे निकल जाएंगे, जबकि हमें क्या करना था, इनको सेपरेट करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे ना आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने जैसे बताया कि हमारे जो बीड्स का साइज है वो हमारा कितना है, 50 डाल्टन वाला है, ये जो हमारे प्रोटीन है वे हमारे कितने साइज के है, 100 200 300, ना 100 वाला इसके अंदर एंट्री करेगा, ना 200 वाला एंट्री करेगा, ना 300 वाला। तो यहाँ पे ना यू नहीं होगा कि अगर हमें स्पेसिफिक जैसे कि ऑर्डर पूछा जाए कि किस ऑर्डर में यहाँ पे हमारे डिफरेंशिएट होंगे या फिर सेपरेट होंगे, तो यहाँ पे यू नहीं है कि हमारा जो सी है वो हमारा सबसे पहले आएगा क्योंकि इसका लार्जेस्ट साइज था, फिर उसके बाद हमारा बी आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा ए आ रहा है, ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ये ऑर्डर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे ए है बी है या फिर सी है तीनों में से हमारा कोई भी यहाँ पे पोरस के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा, और अगर वो एंट्री नहीं कर पा रहा तो यानी कि जो हमारा सी होगा बी होगा या फिर ए होगा तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक साथ ही यहाँ पे इल्यूट होंगे। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ही हमारे इल्यूट आउट हो जाएंगे।
यानी कि इन वाले बीड को तो यहाँ पे यूज करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर हम सपोज करके चले कि यहाँ पे हमारे जो प्रोटीन का साइज है वो हमारा कितना है, 25 हो गया, 40 हो गया, और ये हमारा 60 हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा सी है क्योंकि वो लार्जेस्ट साइज का है और वो हमारा क्या है इनके अंदर एंट्री कर भी नहीं पा रहा क्योंकि हमारे 50 वाले को ये एंट्री दे पा रहा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो सी होगा वो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, जो हमारा बी होगा क्योंकि इसका लार्जर साइज है, यानी कि हमारा बी आ जाएगा। लास्ट हमारा कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा जो साइज एक्सक्लूजन है, उसके अंदर हमारी जो पोरस है उनका जो साइज है वो हमारा एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोटीन को सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, द स्प्रेशन अकर व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्स विद इन द मैट्रिक्स। जो हमारी मैट्रिक्स है यानी कि जो हमारी स्फेरिकल बीड्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या होने चाहिए कि जो हमारे पोरस स्ट्रक्चर है उनके अंदर हमारा कौन सा यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यानी कि कौन सा हमारा पोर्स के अंदर बीड्स के अंदर एंट्री करेगा, कौन सा हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल का हमारे यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा उनके साइज के बेसिस पे। स्मॉल मॉलिक्यूल डिफ्यूज इन टू द पोर्स, जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वे क्या हो जाएंगे, वे हमारे पोर्स के अंदर एंट्री कर लेंगे एंड देयर फ्लो थ्रू द कॉलम इज रिटार्डेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमें एक तो हमारा कौन सा था, एक तो हमारा 25 वाला था, एक हमारा 40 वाला था, एंट्री तो दोनों ही कर पा रहे हैं, तो हमारा 40 वाला पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये यहाँ पे पोरस होते हैं ना, पोरस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कई बार साइज यहाँ पे कम हो जाता है, जो ये वो कैनाल्स रहेंगे फिर जो यहाँ पे ये रस्ते हैं ना इनका साइज कई बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो 25 वाला होगा वो तो यहाँ पे एंट्री कर लेगा, लेकिन 40 वाला हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, और जो जितना ज्यादा एक्सक्लूड होगा वो उतना ही जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बी तो हमारे यहाँ पे एंट्री कर नहीं पा रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, और एक्सक्लूड होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ए से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बताया है, कमिंग थ्रू द अकॉर्डिंग टू द साइज व्हाइल द लार्जर मॉलिक्यूल डू नॉट एंटर द पोर्स एंड एडिटेड इन द कॉलम वॉल्यूम वॉइड। ठीक है, जो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर हमारी एक वॉइड वॉल्यूम होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉइड वॉल्यूम हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर हो गए जो हमने यहाँ पे बीड्स को यूज किया हुआ है, अब बीड्स के अलावा जो हमारे यहाँ पे स्पेस हो गया ना आउटर वाला, जो हमारे आउटर वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वॉइड वॉल्यूम। अब जो हमारा यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल था जो कि हमारा बीड्स के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा था, जैसे कि ये यहाँ पे हो गया ना, ये भी हमारे क्या है, वॉइड वॉल्यूम है। तो जो हमारे लार्ज साइज के मॉलिक्यूल थे, प्रोटीन थे, वे हमारे बीड्स के अंदर तो एंट्री नहीं कर पा रहे थे, तो वो कहाँ से पास होंगे, जो हमारे यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम होगी उनके थ्रू ये पास हो जाएंगे। ठीक है, इन दिस वे मॉलिक्यूल सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज एज दे पास थ्रू द कॉलम एंड आर रिलेटेड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे हमारे जो डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट होगा उनके बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी रेजिन कंप्राइजेज ए पोरस स्फेरिकल पार्टिकल बीड्स। फिर से हम यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एक स्फेरिकल बीड्स होती है, ठीक है, जो कि हमारे कैसे होती है, पोरस स्ट्रक्चर होंगी। दीज बीड्स लैक रिएक्टिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी प्रॉपर्टी, और इनके अंदर हमारे ना तो ये रिएक्टिव होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होगी हमारी, ठीक है, और कैसे होनी चाहिए, इनके अंदर एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी भी हमारी एबसेंट होनी चाहिए। ठीक है, लैक रिएक्टिविटी एंड एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। आफ्टर द सैंपल हैज एंटर्ड द कॉलम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स लार्जर देन द पोरस आर अनेबल टू डिफ्यूज इन टू द बीड्स सो दे इल्यूटेड फर्स्ट। अगर हमारे किसी ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका जो साइज है वो हमारा जो बीड्स है उनके अंदर वो एंट्री कर ही नहीं पा रहे, तो वे हमारे क्या हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे इल्यूटेड आउट हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दैट रेंज इन बिटवीन द वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल कैन पेनिट्रेट द पोर ऑफ वेरिंग डिग्री बेस्ड ऑन देयर साइज। अगर हमारा एवरेज साइज है तो वो कहीं पे हमारा एंट्री कर लेगा, कहीं पे नहीं एंट्री करेगा, तो वो हमारा सेकंड आ जाएगा। इफ ए मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द पोर इन द मेन इट कैन एंटर द टोटल पोर वॉल्यूम। और अगर हमारा यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारा स्मॉलेस्ट साइज का है तो वो हमारा क्या करेगा, वो हमारे टोटल पोर वॉल्यूम यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे क्या था, बीड्स थी, बीड्स के अंदर हमारे यहाँ पे हमारे ये इस तरीके से हमारा स्पेस था। अब जितने भी हमारे बीड्स है, ठीक है, 10 हमारे यहाँ पे बीड हो गए, और उन 10 बीड्स के अंदर जो हमारे इनके अंदर का जो हमारे यहाँ पे स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनके अंदर हमारा जो साइज है, ठीक है, वो हमारा स्मॉलेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा सारे के सारे जो पोर है वहां पे हमारे एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पे बाहर आएगा। मॉलिक्यूल दैट एंटर द टोटल पोर वॉल्यूम आर रिलेटेड लास्ट।
हमारा यहाँ पे टोटल पोर वॉल्यूम में हमारा कौन एंट्री कर पा रहा था, जो हमारा स्मॉलेस्ट था। और इन्होंने क्या बोल रहा है कि अगर हमारा कोई टोटल पोर वॉल्यूम के अंदर एंट्री कर पा रहा है तो यानी कि वो हमारा क्या करेगा, सबसे लास्ट में लूट आउट होगा, यानी कि जो हमारा स्मॉलेस्ट साइज का होगा वो हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पे लूट आउट होगा। ठीक है, सैंपल आर इल्यूटेड आइसोक्रेंटिकली सो देयर इज नो नीड टू यूज डिफरेंट बफर ड्यूरिंग सेपरेशन। अब यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे साइज के बेसिस पे अपने आप ही यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और हमारे लास्ट में हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल इल्यूट आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट केमिकल को या फिर दूसरे किसी केमिकल को यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। या ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे जो बीड्स है वो हमारे कैसे है, केमिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई डिफरेंट केमिकल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हमारा यूं होता ना कि हमारा कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता जैसे कि बीड्स अगर हमारे यहाँ पे रिएक्टिव होते तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो एक कंपोनेंट है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच ही हो जाता, और उसको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, किसी केमिकल को यहाँ पे यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो हमारा जो बीड है ना वो हमारा खुद ही इनएक्टिव है, तो ये किसी के साथ बाइंड करेगा ही नहीं, और अगर ये बाइंड ही नहीं करेगा तो यहाँ पे हमें किसी केमिकल को भी यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमारे क्या हो रहे हैं कि हमारे अपने आप ही आइसोक्रेनेटिकली हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप ही यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वे साइज के बेसिस पे एक दूसरे से सेपरेट होते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे बीड्स हो गए, बीड्स हमारे कैसे है पोरस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे मॉलिक्यूल्स जो हमारे स्मॉलेस्ट साइज के होंगे वे हमारे क्या करेंगे, वे हमारे यहाँ पे हर एक पोर के अंदर यहाँ पे हमारे एंट्री कर लेंगे, जबकि दूसरी तरफ हमारे जो लार्जर साइज के होंगे वे हमारे क्या करेंगे, वे इसके अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो बाहर वाला स्पेस है वॉइड वॉल्यूम थी हमारी वहीं से होते हुए हमारे पास हो जाएंगे। जबकि जो हमारा ग्रीन कलर का था वो हमारा क्या था, वो हमारा कहीं पे एंट्री कर पा रहा था कहीं पे नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये आगे तक तो एंट्री नहीं करेगा, ये यहाँ पे जाके वापस आ जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ बस यही होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। जबकि जो हमारा रेड कलर का है वो हमारा क्या है स्मॉलेस्ट साइज का था, तो ये हमारा क्या करेगा हर एक पोर के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा, और एंट्री करने के बाद ये वापस आएगा, तो इस तरीके से इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो यही हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पे इल्यूट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो लार्जर साइज का था, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एवरेज, और फिर हमारा जो सबसे लास्ट था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे इल्यूट आउट हो गए, तो इल्यूट आउट होने के बाद इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको हम यूं चेक करते हैं कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा बाहर आया है। अब हमने क्या बताया कि जैसे हम यहाँ पे प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये प्रोटीन ए था, ये हमारा प्रोटीन बी था, ये हमारा प्रोटीन सी था, तो इनकी क्या होती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर ये एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ए है, उसकी हमारी एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस होगी, बी हमारी एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस होगी, सी की हमारी अलग से यहाँ पे एब्जॉर्बेंस शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे, और जितनी ज्यादा पीक होगी यानी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा पीक आ रही है, तो यानी कि इतनी ही ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगी, कितना हमारा इसका कंसंट्रेशन थी यूवी हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सबसे फर्स्ट पीक आ रही है ना, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट पीक हमारी किसकी होगी, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बताया जाए कि जो हमारी फर्स्ट पीक है ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइज किसका था, अब हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारा सबसे फर्स्ट आएगा यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लार्जेस्ट साइज का होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे फर्स्ट इल्यूट आउट हुआ है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट होगा, बी हमारा मीडियम होगा, और सी हमारा यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको पूछा जाए कि हमारा सबसे फर्स्ट कौन इल्यूट आउट हो रहा है, तो हमारा सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे फर्स्ट पिक जिसकी होगी वही तो हमारा यहाँ पे इल्यूट आउट होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे जो हमारा डाटा रहेगा उसको हम एनालाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है, जो हमारे यहाँ पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर हमारे कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रहेगी, तो उसी में हम यहाँ पे आता है वॉइड वॉल्यूम। ठीक है, वॉइड वॉल्यूम हमने आपको पहले ही बताया था, वॉइड वॉल्यूम हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे बीड्स हो गई, इन बीड्स को छोड़ के जो भी हमारा यहाँ पे इसका आउटर स्पेस होगा, एक्सटर्नल जो स्पेस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा वॉइड वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे सबसे लार्जेस्ट साइज होते हैं मॉलिक्यूल वे हमारे क्या करेंगे, इन्हीं वॉइड वॉल्यूम का यूज करके यहाँ पे बाहर आएंगे। क्लियर है, उसके बाद वॉइड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, द इल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट डू नॉट एंटर द पोर और इंटरेक्ट विद द क्रोमेटोग्राफी रेजिन दिस पासिंग बिटवीन द पार्टिकल इन द पैक्ड बेड। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, जो हमारा आउटर वाला स्पेस रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टोटल बेड वॉल्यूम। टोटल बेड वॉल्यूम हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा टोटल जो कॉलम था ना इसके अंदर हमारा टोटल जो स्पेस है सब कुछ मिला के, वो हमारा क्या रहेगा टोटल बेड वॉल्यूम।
जो हमारा वॉइड वॉल्यूम है वो भी हमने मिला लिया, जो हमारे पोर्स है वो भी हमने मिला लिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल बेड वॉल्यूम। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड हमारे जो मैट्रिक्स है, लिक्विड हमारा जो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हमारा यूज होगा, सब कुछ मिला के इट इज इन द कॉलम वॉल्यूम ऑफ द स्पॉट पार्टिकल प्लस द वॉइड वॉल्यूम। जो हमारे यहाँ पे बीड्स है, स्पॉट पार्टिकल हमारे किसको ये बोल रहे हैं, ये मैट्रिक्स को यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को मिला के और जो हमारी वॉइड वॉल्यूम है उसको मिला के टोटल हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल बेड वॉल्यूम। अब उसके बाद आता है सोल्यूट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट हेल्ड इन द पोर्स। जो हमारा ये सोलवेंट हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर सोलवेंट वॉल्यूम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ बेड बीड्स भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट हेल्ड इन द पोर्स, दिस इज नॉर्मली अप्रोक्सिमेटली वी टोटल डिवाइड माइनस वी वॉइड। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कुछ ऐसा स्पेस होगा जो कि हमारा क्या रहेगा, जो कि हमारा इन बीड्स के अंदर हमारा यहाँ पे रहेगा। हमने क्या बताया था, इसके अंदर हमारे यहाँ पे पोर्स होंगे, तो इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम होती है ना सोलवेंट की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सोलवेंट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे सोलवेंट वॉल्यूम। अब अगर हम यहाँ पे इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारा कितना रहेगा, अब एक तो हमारे यहाँ पे था क्या था टोटल हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो पोर वॉल्यूम है ना उसको हमने किससे शो किया गया है, वी आई से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक तो हमारा था टोटल जो हमारा वी सी था, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। उसमें से हमने क्या किया, जो हमारा मैट्रिक्स था, देखो मैट्रिक्स यहाँ पे ना जो पोर्स है ना, पोर्स के अंदर हमारे दो टाइप के स्पेस आ रहे हैं, एक तो हमारा जो मैट्रिक्स है जो खुद ही है यहाँ पे जो बीड्स है, ठीक है, एक तो देखो ये जो ये तो हमारे हो गए जो जिसके अंदर हमारा वॉल्यूम एंट्री कर पा रहा था, ठीक है, ये हमारा जिसके अंदर ये हमारा एंट्री कर पा रहा है। अब कुछ हमारा ऐसा भी तो है ना जिसके अंदर ये जो हमारा यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है जिससे हमारी बीड्स बनी हुई है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है वी मैट्रिक्स। अब जो टोटल हमारा स्पेस था उसमें से हमने वी मैट्रिक्स को हटा दिया, माइनस जो हमने यहाँ पे वॉइड थी उसको हमने हटा दिया, तो वो हमारा क्या बचेगा, वो हमारा कंसंट्रेशन बचेगी जो कि हमारे इन स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा सोलवेंट वॉल्यूम या फिर हमारे वॉल्यूम ऑफ बीड्स, ठीक है। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है इल्यूशन वॉल्यूम, इल्यूशन वॉल्यूम हमारा क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द इल्यूट रिक्वायर्ड टू इल्यूट एनी गिवन सब्सटेंस। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे ए था, अब ए को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ी, कितने सॉल्वेंट की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी, वो हमारा क्या हो जाएगा इल्यूशन वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द इल्यूट। इल्यूट क्या होता है, ये हमारा वो सोल्यूशन होगा या फिर वो हमारा सॉल्वेंट होगा जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल को यहाँ पे क्या करेंगे इल्यूट करेंगे, बाहर निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द इल्यूट रिक्वायर्ड टू इल्यूट एनी सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए या फिर आउट करने के लिए हमें कितने वॉल्यूम की यहाँ पे जरूरत पड़ी, वो हमारा क्या हो जाएगा इल्यूशन वॉल्यूम। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।